मैंने बेंच में क्या लिए, क्योंकि अभी जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह भी तो करना होगा ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी जमान में रखे। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ, और अम्मी जी के घर जा रहे हैं, क्योंकि कल तो है मेरी भाभी जान जो है वो कल आई है अपने मेके से, तो उनसे भी मिलते हैं, और जो मेरा छोटा न्यू बेबी जो कि भतीजा हुआ था उससे भी मिलते हैं, और आया तो उससे भी इंशाल्लाह। तो हमने मार्केट क्यों जाना, थोड़ी सी जो है शॉपिंग करनी है। कल हमारी जाने की कहीं तैयारी है, कहीं हम जा रहे हैं, वो एक सरप्राइज है, वो कल मैं जाके आपको बताऊंगी। जाके क्या, कल बताऊंगी शायद आपको कल की वीडियो में इंशाल्लाह। वो बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, और ये कि हमारा भी जो है थोड़ा सा जो है इस जो शहर से है ना, थोड़ा सा जो है ना अगले शहर में जाना है हमने, ऐसे ना बिल्कुल इस शहर से अगले शहर में जाना है, मतलब थोड़ा सा सिटी चेंज होगी हमारी। तो देखते हैं जी हम कहाँ जा रहे हैं, और आपको भी बताएंगे कि हम कल की वीडियो में बताएंगे। आज की बहुत वीडियो में मजा नहीं आने वाला है। जी, इंशाल्लाह कल की वीडियो बहुत अच्छी होगी। आज की भी वीडियो की ये कि तैयारी वगैरह में करेंगे, मैंने थोड़ी सी कुछ चूड़ियाँ वगैरह पहननी है, और जो है बस देखते हैं जो भी शॉपिंग करेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और अजान अपना बाजा लिए जो है ना लेके जा रहा है अम्मी के घर पे, तो ये शोर करना, और ये भी कमेंट आ रहे थे कि भाई ये शोर करने के लिए जरूर लेना था। बच्चे हैं, बच्चों का तो ये होता है कि कोई शौक का मोल नहीं होता, बच्चे जो है अपनी ही मनमानी करते हैं। हर बच्चे ने जो है लिया हुआ है, ये है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करता है, परेशानी तो होती है सब बच्चे जो चलाते हैं ना इसकी आवाज से, लेकिन आप बच्चों की खुशी भी तो होती है, ये भी कभी कभार खुशी बंदे को मान लेनी चाहिए। ये तो बस सिर्फ 14 अगस्त में आज बजाते हैं अजान फिर की रख छुट्टी देंगे। है, इसकी क्या कहते हैं मदरसे की तो नहीं, ट्यूशन की छुट्टी है, क्योंकि आज इतवार है ना, इसलिए कल भी छुट्टी 14 अगस्त। कल की भी छुट्टी है। छुट्टी का पहले पता होता है अजान को, और छुट्टी अजान को नहीं, के सब बच्चों सब को बच्चों पता को है। छुट्टी का पहले पता होता है, और ये कि छुट्टी वाले दिन जो है ना इनकी आंख भी जल्दी खुलती है, और जो है ना जब छुट्टी नहीं होती ना उस दिन इनकी जो है ना उनको उठाते रहो उठाते रहो। वैसे मेरा बेटा जो है ये है कि नमाज के लिए उठ जाते सुबह सुबह अजान की, माशाल्लाह ये एक बहुत कहने अच्छी पे उठ जाता माशाल्लाह है। से आदत है कि सुबह जब मदरसे के लिए इसको उठाया जाए ना अजान, चलो मदरसे का टाइम हो गया, अजान फौरन से उठता है माशाल्लाह, मदरसे के लिए एकदम से उठता है। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, मेरा बेटा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से मदरसे के लिए और नमाज के लिए जो है ना फौरन से उठता है। अल्लाह ताला बस मेरे बच्चे को नेक बनाए, सबके बच्चों को आमीन नेक बनाए, आमीन सुम आमीन, और अल्लाह ताला मेरे बेटे को हाफिज कुरान बनाए, मेरा बहुत आमीन। शौक है, दिल से शौक है, आमीन। मैं अभी आया हुआ था टिकट लेने के लिए, और ये भी मालूम करने आया था कि कल गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी आपको जैसे पता है मैं आई चूड़ियाँ पहननी थी, लेकिन घर की शॉपिंग तो अभी चल ही रही है, तो मैंने कहा कुछ जो है अपने घर के लिए भी ले लेते हैं। तो साइड टेबल के लिए जो है मुझे ये पसंद आया, तो मैंने कहा ये ले लेते हैं, उस पर जो है ना दाग धब्बे नहीं होंगे इससे, जैसे कि अभी कलर जो है नया करवाया है उस पर फर्नीचर पे, तो ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये साइड टेबल के लिए जो है ले लिए मैंने, घर पर जाके जो है आपको दिखाऊंगी खोल के। अभी ये मैंने पसंद किया, साथ में जो है और देख रही हूँ कुछ बर्तन वगैरह जो है पसंद आ जाएंगे, सॉस पैन, लेकिन ये बहुत हल्के वाला है ना इसमें जो चाय वगैरह बनाने के लिए, लेकिन ये बहुत हल्का है, शाम करेंगे ये सही नहीं है लेने के लिए। तो मैंने कहा जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ से गिफ्ट लेकर जाएं यहाँ से, लेकिन गिफ्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा ना ही बच्चों के लिहाज से, तो इस वजह से जो है मैं गिफ्ट नहीं ले रही। तो जहाँ हम जा रहे हैं तो सोचा तो यही था कि गिफ्ट लेके जाएं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, फिर आगे भी मार्केट है आगे देखते जाते हैं। तो अभी जो है बस मैंने ये चीज़ देखी है, और ये चीज़ की समझ में नहीं आ रही, ये आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा सर का मसाज है, ये दुकान वाले भाई बता रहे हैं ये सर का मसाज है, इससे क्या होता है? अच्छा तो ये भी सही है सर का मसाज। तो बस यही है कि हम अभी डबल फाटक आए हुए हैं, आगे जो होगा इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपसे आप सोच रहे हैं कि मैं आई थी चूड़ियाँ पहनने के लिए, और जो है ना यहाँ पर घर की शॉपिंग करने लग गई हूँ, तो घर की शॉपिंग करते करते मुझे जो ये बेबी के लिए जो बेबी के कपड़े सुखाने के लिए होता है ना, तो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इंशाल्लाह जब बेबी की शॉपिंग करेंगे ना तो ये भी ज़रूर लेंगे, इससे ये कपड़े आसानी से सूख जाएंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। एक ये है और एक ये जो है गोल इस तरह से लगा हुआ है, तो इससे ये फायदा होगा मेरे ख्याल से तो, जो कि जल्दी कपड़े सूखेंगे, बेबी के छोटे छोटे से कपड़े होते हैं ना।
तो इंशाल्लाह जरूर ये लेंगे। शॉपिंग करते करते जो है ना इतना टाइम हो गया, अब अंधेरा हो गया, शाम हो गई है और आप सब कहते हैं कि ना मेकअप में भी कुछ जो है आप यूज़ कर लिया करें। आज फाइनली जो है मैंने एक बेस लिया है, वो देखते हैं कैसा है, पता नहीं अब समझ में आता है या नहीं आता, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने बेस में क्या लिया, क्योंकि अभी जा रहे हैं तो जहाँ जा रहे हैं थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह भी तो करना होगा ना, तो इस वजह से जो है मैंने जो कि मेकअप के लिए थोड़ा सा बस हल्का फुल्का सामान लिया है वो मैं आपको घर चल के जो है दिखाऊँगी। और अभी मैंने पैसे दे दें आप उनको। मिस्त्री भाई की कॉल आ गई थी, मेरे पास टाइम है अभी, मुझे सामान वगैरह दिला दो, मैं पल्ले वगैरह आपको बना दूं। देख रहे हैं कौन सी शीट पसंद आती है, दुआ को तो ये वाली पसंद आई है आपको, दुआ को ये वाली पसंद आ रही है, देखते हैं और भी कौन सी समझ आती है वही लेते हैं। और आप सब बहन भाई ने बताना है कौन सा कलर अच्छा लगेगा जो ऊपर स्टोर के पले है ना उसके लिए। सामान वगैरह जो हमने लेना था ले लिया, लेकिन हमें ये कलर पसंद नहीं आया, अभी जाते हैं और शॉप पे कलर देखते हैं, जो चीज़ लेनी थी वो हम ले रहे हैं, बाकी सारा सामान, बाकी थोड़ा सा सामान, बाकी बस एक शीट है वो ले लेंगे, बाकी सारा सामान ले लिया। ये अलमारी को जो पल्ले को जो कब्ज़े लगे हैं ये कब्ज़े लिए हैं, ये साइड में जो पट्टियाँ लगनी हैं ये पट्टियाँ, ये सारा सामान भाई के पास छोड़कर ये भाई आज फिट कर देगा इंशाल्लाह ताला, ये सुबह आकर लगा देगा। चलो शुक्र है ये भी काम हो गया, तो फिर आपको पता कितने परेशान थे इस काम की वजह से, सामान वगैरह रखना होता है फिर टेंशन नहीं होती, सामने नहीं होता। अभी हम अम्मी के घर पहुंच गए और मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी और थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग भी की है। शॉपिंग करते करते जो है फिर कॉल आ गई मिस्त्री भाई की, जिन्होंने जो है कैबिनेट बनाने थे स्टोर के, तो उनकी कॉल आ गई थी, तो फिर शाम को वहाँ पर जाना पड़ा, साथ में मैं भी गई और जो है वो लिए जो कि गत्ते वगैरह जो भी उसके लगने हैं ना वो सारा सामान दिलवा कर दे दिया, वो सारा सेट कर लेंगे अभी रात में, फिर सुबह में जो है वो इंशाल्लाह लगा के दे जाएंगे। और जो शॉपिंग की है वो मैं आपको जो है दिखा देती हूँ जो कि मैंने शीट्स लिए हैं ये वाली, जो कि हमने साइड टेबल पर लगानी है, इससे साइड टेबल जो है ना उसके कलर ख़राब नहीं होगा और ड्रेसिंग का भी जो है उसका भी नहीं ख़राब होगा। मैं इसको खोलती हूँ और दिखाती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत पसंद आई है, ये ख़राब होने वाली भी नहीं है। ये जो है साइड टेबल पे दो रख दूँगी इस तरह से, और इसका डिज़ाइन भी देखें कितना प्यारा है, और ये जो है ड्रेसिंग पे रख दूँगी ताकि जो है ड्रेसिंग का कलर भी ख़राब नहीं होगा और जो है साइड टेबल है ना उसका भी कलर ख़राब नहीं होगा। और दूसरा ये है कि कचरा उठाने वाला जो है ये भी लिया है, और ये दो बॉल लिए, आटा वगैरह या कुछ इसमें रख देंगे, दो बॉल हैं ये 250 रुपये के मिले, सही मिल गए, ये भी अच्छे रेट में मिल गए, तो मैंने ये दो ले लिए। और दूसरा जो है मैंने क्या लिया ये मेकअप में, मैंने ये लिया एक तो ये ब्लीच लिए मैंने, ये पार्ले की ब्लीच है, क्योंकि कल जा रहे हैं हम, और जैसा कि समझ लें टूर है हमारा जाने का, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर तैयारी से कुछ जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। और साथ में जो ये कैचर लिया है मैंने ये, और लिया है मैंने ये डर्माकोल का जो है ये बेस है ट्यूब में जो है ये लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये बताइएगा आप, क्योंकि मैंने जो है ये पहले इस्तेमाल तो नहीं किया, आपने बताना है ये कैसा होगा, ये ठीक है या नहीं, तो ये लिया है, ये 350 रुपये का मिला है, ये देख सकते हैं ये लिया है। और ये बेस है एक तरह से जो कि ये लिक्विड है, और ये इंशाल्लाह जो है ना ये लगाऊंगी तो फिर आपको बताऊँगी इसका रिज़ल्ट कैसा है, और वैसे आपने भी बताना अगर इस्तेमाल किया हुआ है तो आपने ज़रूर बताना है। तो ये जो है हमारी जाने की तैयारी थी, जाने की तैयारी में मैंने सामान ये लेना था और साथ में लेकर आ गई हूँ घर का भी सामान। आपको पता है नए घर में तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कभी दिल करता है कि हर चीज़ ले ले इंसान, बस जब थोड़ा थोड़ा बंद इंसान लेता रहे ना तो फिर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ जो है ना वो पूरी हो ही जाएगी इंशाल्लाह। अजान को अम्मी के घर छोड़ के गए थे,
अभी हमने यहीं पे खाना खाना है, अम्मी वालों ने खाना बनाया है, फिर खाना खाएंगे, फिर इंशाल्लाह जो है घर जाएंगे, और फिर बस इंशाल्लाह कल निकलेंगे ना तो आपको आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबने कल की वीडियो मिस नहीं करनी, कल की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। और कल जो है हमारा टूर कहाँ पर है वो भी बताएंगे ना, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो बताएंगे। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो भी काफ़ी लेट हो रही है क्योंकि हम इस कैबिनेट के चक्कर में जो है ना लेट हो गए, और अभी अभी बस घर पहुंचे और मैंने वीडियो कंप्लीट करी और आप तक पहुंचाते हैं। अल्लाह हाफिज़।